कानपुर में क्रिमसन इंक ने आग में मचाई तबाही, मुंह धोकर पूरी फैक्ट्री जल रही थी, तबाही मच रही थी, ड्रम पे ड्रम भड़ाम भड़ाम की आवाज़ करते हुए फट रहे थे। एक तबाही का मंजर नज़र आ रहा था, पूरी बिल्डिंग गिर रही थी, धराशायी हो रही थी, आग की लपटें 500 फीट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा करके एक डरावना समंजर तैयार कर रही थी। फायर ब्रिगेड और पब्लिक कंपनी और भी बहुत दूर दूर से हुए लोग जुटे हुए थे, लेकिन आग कंट्रोल में नहीं कर रहा था। आग अपने ज्वालामुखी का रूप धारण किए हुए थी और बढ़ती जा रही थी। बगल की फैक्ट्री वाले भी डर रहे थे कि कहीं इस आग का और भी भयावह रूप उनकी फैक्ट्रियों की तरफ गया। सरायमीता के लोग भी सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि इस पूरे गांव को, सरायमीता इंडस्ट्रियल एरिया को यह आग पकड़ ले। कानपुर फर्टिलाइजर की गाड़ियाँ, इंडियन ऑयल की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चारों तरफ चल रही थीं। लगभग 40 गाड़ी फायर ब्रिगेड की चल रही थी आग बुझाने के लिए, लेकिन आग थी अपना भयावह रूप धारण किए हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आज हाहाकार मचा देती है आग। बहुत ही भयानक डरावना मंजर था, लोग सहमे हुए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग दौड़ दौड़ के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग थी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 7 से 8 घंटे के ऊपर आग अपना भयावह रूप धारण किए हुई थी। जब बिल्डिंग धीरे धीरे धराशायी हो गई, धीरे धीरे गिरने लगी, तब आग पर कुछ कंट्रोल हो गया। सुबह 11 बजे की लगी हुई आग रात को 8 बजे तक ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। आग भयानक थी, भयावह थी, बहुत ही खतरनाक थी। कभी लोग पास आते, कभी दूर आते, कभी नज़दीकियों पे जाते, कभी भग खड़े होते। एक ऐसा, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा भयंकर भयावह दृश्य नहीं देखा आग का, जिसने पूरा पवंडर छा रखा था। वहाँ रखे हुए केमिकल के ड्रम भ्राम भ्राम की आवाज़ करके ऐसे फट रहे थे जैसे कोई भयावह बम फट रहे हैं, और उन ड्रमों के फटते ही इतनी तेज लव निकलती थी, इतनी तेज आग निकलती थी कि फायर ब्रिगेड फिर उस तक बढ़ती थी और वहाँ देख करके फिर पीछे भगती थी। ये मंजर लगातार चलता रहा और आग बढ़ती रही। क्रिमसन इंक के नाम से यह फैक्ट्री है जो अपना प्रोडक्शन कर रही थी, पॉलिस्टर इंक बना रही थी। बहुत ही भयानक मंजर, बहुत ही खतरनाक मंजर, और चारों तरफ तापमान बढ़ा हुआ। देखिए, देखिए इस वीडियो को।